और पलटी के अंदर आपको यहाँ पर एक साबुन मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, जल्दी करें। भैया मजाक कर रहे हो ऐसे? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारी मम्मी मशीन से भैंस की चारा काट रही है। मम्मी आसमान आप जाइए, भैंस की चारा धराइए, मैं भैंस का चारा काट देता हूँ। लग जाए स्नान। नहीं मम्मी, बस कर हम बांध लेंगे, हट जाए। दोस्तों मैं अभी मशीन से बहुत छोटा हूँ, मेरी मम्मी अकेले ही चारा काट रही थी, मेरा हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था। मैं तो सोचा कि मम्मी का हेल्प कर दूँ। शिवम भैया, हाँ शिवम, जाइए भैंस का चारा काट के, मम्मी अकेले भैंस का चारा काट रही हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। दोस्तों पीछे देखिए, और पलटी के अंदर आपको यहाँ पर एक साबुन मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, जल्दी करें। हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया, हजारों लोगों ने विश्वास किया, लेकर आ गया। दोस्तों कपड़ा साफ करने वाली निर्मा बेचने आए थे वो। दोस्तों मैं पूछने जा रहा हूँ कितने रुपए में बेच रहे हैं निर्मा, कितना रुपए में बेच रहे हैं निर्मा? 100 रुपए का। 100 रुपए में कितना मिलेगा? 2.5 किलो। और 200 रुपए में? 5 किलो। भौजी आप भी ले ली हो? हाँ, कपड़ा धोए के ना रहा था, के ले ली। भौजी अच्छा होता है कि नहीं? अच्छा है, तब ले है कि? चाचा मुझे भी एक दे दो। लो पकड़ लो। दोस्तों मैंने भी एक ले लिया, दिख लीजिए आप। दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर स्नान कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए मेरा बॉडी अब हो गया है ना, तभी इसलिए मैं इतना जल्दी पानी भर चुका हूँ। बहुत मजा है, यह ठंडा ठंडा पानी है। क्या शिवम भैया मजाक कर रहे हो ऐसे? अरे नहीं, हम क्या मजाक कर रहे हैं, आप ही तो हंस रहे हो। नहीं आप पहले जाइए। मैं कहाँ जाऊँ? नहीं आप जाइए पहले। कहाँ जाऊँ बताइए? अंदर जाइए। मैं अंदर नहीं जाऊँगा। क्यों? आप मजाक उड़ाएंगे, मैं ना मजाक रहा हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अच्छा आप आँख मूंदिए। लो मैंने आँख मूंद लिया। देखना नहीं पर? मैं देख रहा हूँ। अरे नहीं जाइए शिवम भैया, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस मैं आपको देख रहा हूँ। अरे अच्छा आप आँख मूंदिए, पर दोस्तों को देखने दीजिए। ठीक है चलिए। अरे आप देख रहे हो युवा भैया, इनको मारियो फिर आपको ये पागल बोली। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। चलो भी दे रहे हैं खाना। आओ शिवा। दोस्तों ये देखिए, ये सब्जी है, ये चावल है, और ये रोटी है, और ये पानी है। दोस्तों मैं खा के देखता हूँ कैसा लग रहा है मेरे तरफ से। आप लोग अब मैं खा लेता हूँ। ये देखिए मेरे पापा, मेरे पापा हमारे दोस्तों को कुछ बोलिए। हाँ दोस्तों, मैं नहा रहा हूँ ठंडा ठंडा पानी से, और शिवांश को दोस्तों सपोर्ट करिए। जैसा कोई लोग सब्जी बेचते हैं तो मेरे पापा भी बोल रहे हैं। पापा का मुंह गोल के लग रहा है। मेरा मुंह गोल के लग रहा है? हाँ से बहुत ही। अच्छा दोस्तों मैं चल रहा हूँ पढ़ाई करूँगा। दोस्तों देखिए
मैं गाड़ी चला रहा हूँ 180 के स्पीड में। मुझे भी बिस्कुट चाहिए। खत्म हो गया, चारी था। हमें भी दो बिस्कुट। हम लोग का चाचा पैसा दिए थे। हमें दो, नहीं तो मार दूँगा। दीवान, हट गया। क्यों हटूँ? बिस्कुट खत्म हो गया। अपना ले लेता और दूसरा नहीं देता मुझे। चारी बिस्कुट था। दोस्तों, जैसे मुझे बिस्कुट नहीं दे रहे हैं। शिवम भैया, दिव्यांशी दीदी, प्रिया दीदी, जब मैं भी चाचा से पैसा मांग के खरीदूंगा ना, तो आपको भी नहीं दूंगा। खरीद लो, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। एक कभी नहीं दूंगा। कौन कौन चलेगा खेत में? आप चलिए, मैं चल रहा हूँ पापा के साथ। पापा साथ आओगे अपने? हाँ, ठीक है, आओ फटाफट। अरे भैया, बहुत शरारती लड़का है ये, बहुत शरारती लड़का है। इमान साहब बहुत अच्छा आदमी है भाई। इसका वीडियो बहुत देखने बाद बहुत अच्छा लगता है मेरे वीडियो में। इसका अच्छा लगता है वीडियो सिवान का? सिवान की वीडियो बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग बहुत शरारत कर रहे हो। मैं देख रहा हूं। पापा, आज बारिश होगा क्या? बारिश? हाँ। बारिश होएगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन का बारिश जरूर होएगा। अच्छा। हाँ, इतना क्वेश्चन पूछूंगा ना। हाँ। तो पूछो मत आप। अच्छा, पहले पूछिए पापा। क्वेश्चन पूछो। हाँ, देखता हूँ आप बारिश करवा पाते हैं या नहीं भगवान से। पहले देखिए, दो दो चिट लेकर आया हूँ। अच्छा, दो दो चिट। आज समझ में आएगा। अच्छा पापा, मैं भी बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाइए, पास में बैठ जाइए, लेकिन हमारी इधर मत देखना। मेरा पहला क्वेश्चन है। अच्छा? हाँ, मौसम विभाग के हिसाब से मैं भी मतलब लेकर आया हूँ क्वेश्चन, बहुत हार्ड हार्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? भेड़ का। कौन सा जानवर सोने के बाद मर जाता है? चींटी। चींटी? हाँ। वो सोने के बाद मर जाता है? हाँ। अच्छा, कौन सा जीव एक आँख खोल कर सोता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन? हाँ। सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत में। भारत के किस राज्य के लोग सांप का तेल की सब्जी खाते हैं? नागालैंड। भारत के कौन से राष्ट्रपति अखबार बेचते थे? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। दुनिया का सबसे दुखी जानवर कौन सा है? पोलर बियर। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कब्ज की बीमारी होती है। सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था? लाहौर। लाहौर? बाबा उधर देखिए, उधर बाग, अरे बादल में आग लग जाएगा क्या? आग नहीं लग जाएगा, वैसे लाल बादल है, बारिश होने की संभावना नहीं है। मेरा अगला पेपर चालू हो गया, दूसरा चिट खोल दिया हूँ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। शिवांश, अब ये क्वेश्चन ना तो कोई सुना है और ना आप बता ही पाएंगे। हाँ, इंसुलिन आपको मालूम ही नहीं होगा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन मतलब शब्द पहली बार आप सुने होंगे। अच्छा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मधु की बीमारी में। मधु की बीमारी में? अच्छा, मधु की बीमारी में। ये भी हमें भी नहीं मालूम है सही है या गलत है। ये आपके जो फैमिली देख रहे हैं वही और सही गलत का निर्णय करेंगे आपका। हाँ, आप गलत बताए हैं सही बताए हैं, हम अपने हिसाब से जो भी लेकर आए हैं, लिख कर लेकर आए हैं, अपना मतलब अपने हिसाब से, ऐसा हार्ड हार्ड ढूंढ कर।
लेकिन इसके बारे में आपकी फैमिली जो है वही बता पाएंगे आप सही बोले हैं कि गलत बोले हैं। अच्छा ठीक है पापा। हाँ यही बारिश आप करवाए। बारिश तो होएगा, बौछार तो कर दिया हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। पूछिए पापा। हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ। जीएसटी कितने भाग हैं? चार। जीएसटी के चार भाग हैं? हाँ। कौन कौन से हैं? जीएसटी। अगर सिवान सही बताए या नहीं बताए भी होंगे, इतनी छोटी सी उम्र में सिवान बहुत कुछ मतलब बताते हैं। और ये शिवांश को पढ़ाने का मेरा एक ट्रिक है, और दोस्तों शिवांश को थोड़ा सपोर्ट करिए। शिवांश बहुत अच्छे ऐसे मेहनत करते रहो बेटा। हाँ। आगे बढ़ते रहो ऐसे, आपकी फैमिली आगे बढ़ा देंगी आपको। दोस्तों आज का दिनचर्या मेरा यहीं से समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। और हमारे ब्लॉग में कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं जा रहा हूँ पढ़ने घर पे, मेरा पढ़ने का टाइम हो गया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।